हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट्स बुक का क्लास सेवेंथ का चैप्टर फोर, जिसका नेम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। एक चार्ट के कॉम्पोनेंट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे चार्ट्स टूल्स के बारे में। चार्ट्स के जो टूल्स होते हैं उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो नाउ स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, एक चार्ट के कॉम्पोनेंट्स के बारे में। द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ चार्ट आर शोन इन फिगर 4.3। फिगर 4.3 में चार्ट के विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वेरियस जो कॉम्पोनेंट्स हैं, उनको दिखाया गया है। देखिए, यहाँ देख सकते हैं फिगर 4.3, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट टाइटल है, दिस इज चार्ट टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, दिस इज वाई एक्सिस टाइटल, एंड दिस इज एक्स एक्सिस टाइटल, लेजेंड, डेटा लेबल, ग्रिड लाइंस, ये सभी चार्ट के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। यहाँ लुकअप में बताया गया है प्लूरल ऑफ एक्सेस, यानी ये जो ए एक्स ई एस ए एक्सेस है, ये एक्सेस का प्लूरल है। द कॉम्पोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट आर लिस्टेड इन टेबल 4.2। अब टेबल 4.2 में जो चार्ट के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो चार्ट होता है, उसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनको लिस्ट किया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं टेबल 4.2, दिस इज टेबल 4.2। यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स ऑफ चार्ट एंड डिस्क्रिप्शन में इन चार्ट्स के बारे में बताया गया है। फर्स्टली जानते हैं चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ चार्ट में? इट इज़ द एरिया इन विच ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ चार्ट आर रिप्रेजेंट। दैट मीन्स कि ये वो एरिया होता है जिसमें चार्ट के जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं। मीन्स जितने भी चार्ट के कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो सारे यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइटल। दे आर टू टाइप्स, चार्ट टाइटल एंड एक्सेस टाइटल। यहाँ जो कंपोनेंट ऑफ चार्ट है उसमें टाइटल आ जाता है। ये दो तरह का होता है टाइटल, जिसमें एक होता है चार्ट का टाइटल और एक होता है एक्सेस टाइटल। मीन्स आपने यहाँ देखा भी होगा अभी कि यहाँ पर ये चार्ट टाइटल आ गया, दिस इज चार्ट टाइटल एंड दिस इज एक्सेस टाइटल, वाई एक्सेस टाइटल एंड एक्स एक्सेस टाइटल। नेक्स्ट है चार्ट टाइटल। इट इज़ द हैडिंग गिवन टू अ चार्ट। ये चार्ट में एक हैडिंग के रूप में दिया जाता है। दैट मीन्स कि चार्ट टाइटल क्या होता है? चार्ट का हैडिंग होता है। तो चार्ट में एक हैडिंग दिया जाता है, उसमें चार्ट का टाइटल लिखा जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस टाइटल। देर आर टू एक्सिस इन 2D चार्ट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो 2D चार्ट होता है उसमें टू एक्सिस होते हैं, एक तो होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इन अ 3D चार्ट देर आर थ्री एक्सिस, और जैसा कि 3D चार्ट होता है उसमें थ्री एक्सिस होते हैं। देखिए, 2D में टू एक्सिस होते हैं और 3D में थ्री एक्सिस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्स एक्सिस, सेकंड होता है वाई एक्सिस एंड लास्ट वन क्या होता है? जेड एक्सिस। ईच एक्सिस इन अ चार्ट इज गिवन अ टाइटल बेस्ड ऑन द डेटा सीरीज इन इट रिप्रेजेंट्स। जो चार्ट के एक्सिस होते हैं, तो चार्ट की जो प्रत्येक एक्सिस है उसे डेटा सीरीज के आधार पर टाइटल दिया जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स जो डेटा सीरीज होती है उसी के आधार पर उस चार्ट के एक्सिस को टाइटल दिया जाता है। द नेक्स्ट है कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब देखिए, जो कैटेगरी एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, और आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कैटेगरी एक्सिस भी कहा जाता है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। अब ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये चार्ट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। एंड वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो वाई एक्सिस है उसे वैल्यू एक्सिस भी कहा जाता है। द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट, ये चार्ट का वर्टिकल एक्सिस होता है। देन नेक्स्ट है डेटा सीरीज। द डेटा दैट आर यूज टू प्लॉट अ चार्ट, डेटा जो एक चार्ट को प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है, ये डेटा सीरीज हो जाता है। नेक्स्ट है लेजेंड। इट आइडेंटिफाइज द डेटा सीरीज, ये डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करता है। अ यूनिक कलर इज असाइन टू मेक इट इजिली डिस्टिंग्विशेबल, एक यूनिक कलर इसमें असाइन किया जाता है जो इसे आसानी से समझने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि इसे हम आसानी से समझ सकें, इसलिए एक यूनिक कलर इसके लिए असाइन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रिड लाइंस। दीज आर द लाइंस दैट रन अक्रॉस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें लाइंस होती हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रन करती हैं, मीन्स वहाँ पर होती हैं वे लाइंस। इट पॉइंट्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट। इनका बेनिफिट क्या होता है, ये क्या करती हैं, प्रत्येक डेटा पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू को पॉइंट आउट करती हैं। द डिस्प्ले ऑफ ग्रिड लाइन्स इज ऑप्शनल, जो ग्रिड लाइन्स का डिस्प्ले होता है वो ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो ग्रिड लाइन्स दिखा सकते हैं, नहीं चाहते तो उसे हाइड भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है डेटा लेबल। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पॉइंट ऑन अ चार्ट, ये चार्ट पर एक पॉइंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। मीन्स डेटा लेबल क्या करता है कि चार्ट में कोई मेन पॉइंट है उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है, तब इसका यूज होता है। सो इस तरह से ये हमारे कंपोनेंट ऑफ चार्ट हो जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी 3। इसमें मैच द फॉलोइंग कॉलम्स करना है, हमें कॉलम्स को मैच करना है, जिसमें फर्स्ट है डेटा सीरीज।
डेटा सीरीज को हमें बताना है कि यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डेटा सीरीज का डिस्क्रिप्शन होता है द डेटा दैट आर यूज टू प्लॉट अ चार्ट। डेटा जो कि एक चार्ट को प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है डेटा सीरीज। तो इसका आंसर रहेगा बी। देन नेक्स्ट है डेटा लेबल। डेटा लेबल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पॉइंट ऑन अ चार्ट। ये एक चार्ट के एक पॉइंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सो दिस इज डेटा लेबल। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कैटेगरी एक्सेस। कैटेगरी एक्सेस क्या होता है? कैटेगरी एक्सेस होता है द हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑफ द चार्ट। चार्ट का हॉरिजॉन्टल एक्सेस। एंड देन वैल्यू एक्सेस क्या होता है? द वर्टिकल एक्सेस ऑफ द चार्ट। चार्ट का वर्टिकल एक्सेस। सो इस तरह से ये मैच हमारे कॉलम्स के हो जाते हैं फाइनल। नाउ आगे बढ़ते हैं और टेक हेल्प में जानते हैं क्या कहा गया है। टू एडिट अ चार्ट डबल क्लिक इट्स डिफरेंट पार्ट्स। यदि आपको एक चार्ट में एडिट करना है तो उसमें एडिट करने के लिए आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डबल क्लिक करना होता है। मींस यदि आपको किसी भी एरिया में, यदि आपको हॉरिजॉन्टली एक्सिस पर, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, किसी पर भी क्लिक करना है तो उस एरिया को एडिट करने के लिए आपको उस पर डबल क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है चार्ट टूल्स। यू मे फॉर्मेट द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स लेआउट, डिजाइन, स्टाइल, लोकेशन एंड सो ऑन। आप एक चार्ट को उसकी लेआउट, डिज़ाइन, स्टाइल, लोकेशन वगैरह से चेंज करके फॉर्मेट कर सकते हैं। यदि आप एक चार्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप उसको लेआउट के द्वारा फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज करके कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से उसका फॉर्मेट हो सकता है। व्हेन यू इंसर्ट द चार्ट इन अ वर्कशीट, जब आप एक वर्कशीट में चार्ट को इंसर्ट करते हैं, यू विल नोटिस टू टूल स्टैप। तो आप टू टूल स्टेप को आप नोटिस करेंगे जो कि ऊपर टैब में आ जाएंगे, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट अपेयर ऑन द स्क्रीन। तो जैसे ही आप चार्ट को इंसर्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टूल अपेयर हो जाते हैं स्क्रीन पर। फर्स्टली आ जाता है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब क्या करता है? डिफरेंट ऑप्शंस हेल्प्स टू चेंज द डिज़ाइन ऑफ द चार्ट इंसर्टेड। डिज़ाइन टैब इंसर्ट किए गए चार्ट के डिज़ाइन को चेंज करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस के द्वारा हमारी सहायता करता है। मीन्स यदि हम अपने चार्ट जो हमने इंसर्ट किया है उसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो वो हमें अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है, जिन ऑप्शंस के द्वारा हम अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फिगर 4.4 में बताया गया है, ये देखिए डिज़ाइन टैब यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पर चेंज कलर्स हैं, चेंज स्टाइल है, क्विक लेआउट है। तो ये सभी इसके द्वारा हम अपने चार्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब क्या करता है? डिफरेंट ऑप्शंस हेल्प्स टू फॉर्मेट टेक्स्ट। इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर 4.5 में दिखाया हुआ फॉर्मेट टैब को, ये फॉर्मेट टैब है। यहाँ पर टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं, शेप्स को स्टाइल दे सकते हैं, शेप्स इंसर्ट करा सकते हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको दिखाना चाहती हूँ, लाइव भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर हमने एक्सेल की एक फाइल ओपन की हुई है, ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और ये फाइल ओपन हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ वाली फाइल है आपकी। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये फाइल से चार्ट बनाना भी सिखाया था, अभी एक बार और बनाने वाली हूँ मैं इससे इसी वीडियो में। तो हम इस पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने चार्ट का ऑप्शन आ जाता है, चार्ट ग्रुप है। इसमें हम चार्ट पर जाएंगे और ये चार्ट ले लेते हैं, इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके हम 3D चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हम 3D चार्ट लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके ऊपर दोनों टैब आ जाएंगे। देखिए बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी टैब नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ कोई टैब नहीं है, ना ही डिज़ाइन टैब है, ना ही फॉर्मेट टैब है। बट जैसे ही हम चार्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चार्ट डिज़ाइन आ गया, यहाँ फॉर्मेट आ गया, देखिए चार्ट टूल्स आ गए, यहाँ पर ओपन हो गए। सो फर्स्टली चार्ट डिज़ाइन देख लेते हैं। ये देखिए चार्ट डिज़ाइन है। यहाँ पर चार्ट डिज़ाइन में आप देखेंगे चार्ट स्टाइल है, चेंज कलर है, क्विक लेआउट है। अभी हम इसको करना नहीं सीखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें आपको सिखाएंगे। आपकी नेक्स्ट चैप्टर की जो ये चैप्टर है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा किस तरह से चार्ट में कलर चेंज करते हैं और किस तरह से इन टूल्स का यूज करते हैं। एंड देन फॉर्मेट में अगर आप जाते हैं तो फॉर्मेट में आप देखेंगे यहां से वर्ड स्टाइल दे सकते हैं आप इनको, और यहां से आप शेप स्टाइल दे सकते हैं और यहां से शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए किसी भी ऑप्शन को हमें चेंज करना है, किसी भी चार्ट में किसी भी कॉम्पोनेंट को हमें चेंज करना है तो हमें उस कॉम्पोनेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे कि यदि मुझे अकाउंट्स को चेंज करना है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए सभी अकाउंट्स के, फाइनेंस के जितने भी ये आ जाते हैं, इन सभी को हम एक साथ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। यदि इसे सेलेक्ट करना है तो नीचे सेलेक्ट करेंगे, यदि ए एरिया सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, यदि ये करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, और यदि ये एरिया करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इस चार्ट में कंपोनेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। वैसे तो हमने वीडियो में समझा ही है बट इसे लाइव भी समझ लेते हैं थोड़ा। ये देखिए मैंने इसे जूम कर लिया है, अब हम समझते हैं। देखिए हम सैलरी के पास जाएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पर, चार्ट
टाइटल, दैट मीन्स ये चार्ट टाइटल है, यहाँ पर हम चार्ट का टाइटल डाल सकते हैं। एंड यदि हम ब्लैंक एरिया में जाते हैं तो ये बताता है चार्ट एरिया, दिस इज द चार्ट एरिया। कहीं भी आप जाएंगे तो ये चार्ट एरिया दिखाएंगे। देखिए ब्लैंक एरिया में, अब देखिए यहाँ पर ये प्लॉट एरिया दिखा रहा है क्योंकि ये प्लॉटिंग का एरिया है, यहाँ पर प्लॉट एरिया आ रहा है, ये देखिए प्लॉट एरिया। बट दिस इज, यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये दिखाएगा चार्ट एरिया, यहाँ जाएंगे यहाँ प्लॉट एरिया दिखाएगा। अब इसके बाद यदि हम यहाँ जाते हैं फाइनेंस, जहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर दिखाएगा हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस। तो देखिए ये यहाँ पर एक्सेस आ गया आपका वाई एक्सेस, और ये आ जाता है वर्टिकल एक्सेस, ये देखिए ये आ चुका है आपका। एंड यदि हम इस एरिया पर जाएंगे तो ये बताएगा सीरीज, तो ये डेटा सीरीज आ गई आपकी, ये सभी डेटा सीरीज आ जाएंगी आपकी। और यदि यहाँ पर जाएंगे तो ये प्लॉट एरिया दिखाएगा। सो इस तरह से आपका जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो यहीं पर डिफाइन पता चल जाता है, हमें डिफाइन कर देता है हमें चार्ट ऑलरेडी कि ये क्या क्या हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।